टूवर्ड्स द एंड लेट मी टॉक अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट लिटिल. इट इज़ एन एग्जाम ऑफ योर पेशेंस, योर विल पावर, योर टॉलरेंस. टैलेंटेड सभी है यहाँ पे. हर किसी को लगता है कि अगर इसने किया, आगे वाले ने किया है, तो मैं भी कर सकता हूँ. इफ़ यू सी दोज पीपल हु टीच यू ऑन यूट्यूब और इन योर क्लासेस, दे नो दैट द स्टफ मच बेटर देन योर टॉपर्स. ओके, उस सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट होते हैं, बट समवेयर दे लैग बिहाइंड. दैट इज़ बिकॉज दिस इज़ नॉट एन एग्जाम जस्ट ऑफ योर टैलेंट और योर हार्डवर्क. इट इज़ एन एग्जाम ऑफ योर पेशेंस, विल पावर, टॉलरेंस, एंड यू नीड अ लॉट ऑफ लक एज वेल. बट लक तभी चलेगा जब आप उसको थोड़ा स्कोप दोगे, जब आपने स्मार्ट वर्क किया हुआ होगा. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी. इट वॉज नेवर मेंट टू बी ईजी. इफ़ यू विश टू डू ईजी थिंग्स, आप गलत जगह पे हो. ईच डे विल सीम लाइक अ बैटल, बैटल अगेंस्ट लोनलीनेस, अनसर्टनटी, डिप्रेशन, निगेटिविटी. एवरी एस्पिरेंट गोज थ्रू इट, ट्रस्ट मी. ट्राई दोज थिंग्स दैट मेक यू फील पॉजिटिव. स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स या गर्ल फ्रेंड्स, डजेंट मैटर. जिसके साथ आपको अच्छा लगता है उसके साथ टाइम बिताइए. या फैमिली. ट्राई मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी. गो टू द जिम फॉर एन आवर. ट्रस्ट मी, देयर इज नो बेटर एंटी डिप्रेसेंट. टॉक टू पीपल. डेवलप सर्टन हॉबीज, म्यूजिक, मूवीज, ट्रैवलिंग. ऑफकोर्स दिस वॉन्ट अप्लाई टू पीपल हु आर giving their prelims this year or who have very less time. But those who are starting their journey, please spare some time at least in your plan, in your timetable for these activities. Re-energizing yourself is not a wastage of time. You will come back stronger. Jinki exam mein kam din reh chuke hain, wo is phase se, is stress se guzar rahe honge. So even if you spare half an hour, 15 minutes for these things, it will make you feel better. Trust me, it is not a waste of time. It will save you one whole year of preparation. If you are resilient and ready to do hard work, you'll survive the competition. But this all is not about survival. If you are optimistic and innovative, you'll beat the competition. Aapko competition ko harana hai, and that is how you will succeed. So be optimistic, be innovative. The most simple success mantra that I can give you is planning and motivation. Plan kaise karna hai, timetable kaise banana hai, I've already told you. It will give you stress at times. It will make you realize how hard pressed you are for time. But this stress is good. It will make you work harder. Motivation is necessary because it keeps you strong during tough times. I sought motivation and inspiration from our glorious history. Being a Maharashtrian, there's no dearth of great historical figures here. So जब भी मैं उनके बारे में सोचता था, पढ़ता था, I used to feel more confident and I used to get that strength to fight every day, because every day is a battle. Find your own motivation. It may be your dad, your mom, other toppers, historical figures, whatever makes you feel better, talk to them. Remember, अपने parents के साथ अपना connection cut off मत कीजिए. At least थोड़ा time आप उनको देंगे तो यू विल फील मच बेटर. टॉक टू योर फ्रेंड्स, ऑल दोज पीपल हु मेक यू फील बेटर, हु मेक यू फील पॉजिटिव. व्हेनेवर यू फील लो, जस्ट बी देयर. देयर विल बी टाइम व्हेन यू विल फील कि कुछ सही नहीं जा रहा. जस्ट वर्क एज पर योर प्लान. प्लान अगेन इफ द अर्लियर वंस फेल. इट हैपन्स मोर ऑफन देन नॉट. प्लान कभी काम नहीं करते. प्लान इट अगेन एंड बिलीव इन द प्रोसेस. जब टाइम खराब चल रहा हो, जस्ट स्टे देयर. Remember, sometimes even survival is victory. A month, a week, a day before the exam, the stress levels will go on increasing in the last months. ऐसा लगता रहेगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता. अगर ये लग रहा है तो सही जा रहे हो तुम. सबको लगता है. Just identify your weakness and work on it. आपने कुछ प्लान किया हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए. अगर वो नहीं काम कर रहा तो प्लान इट अगेन. एनालाइज, रीड एंड रिवाइज. यही करना है आपको. ऐसे ही सक्सेस मिलता है. सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर नेवर टू कॉन्फिडेंट. दे नेवर फील कि इस बार तो मेरा क्लियर हो ही जाएगा. दे जस्ट कीप वर्किंग. दे डोंट गिव अप. सॉल्व टेस्ट्स. डू नॉट गेट बॉदर्ड बाय योर स्कोर. जस्ट वर्क ऑन योर एरर्स. Your sleep and appetite may get disturbed. ऐसा बोलते हैं कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले या लास्ट वीक में अच्छी नींद होनी चाहिए.
But that doesn't really happen. Most of us struggle in these aspects. Don't worry, it's natural. नींद नहीं भी होती तो भी हम कोई मर नहीं जाएंगे. Just try to be calm, try meditation, try things that relax you and try to get a good sleep. But अगर नहीं हो रहा है तो ज़्यादा worry नहीं करना है. Avoid unnecessary medications and stimulants during the exam. Try to avoid all negative influences. There are also some YouTube or Unacademy videos which tell you what to do and what not to do in these days, the end part, so you can see them, they can be useful. Now the D-Day, the exam day. Just before the exam, leave for the center early. क्योंकि वहाँ जाके टाइम लग सकता है, आप पैनिक हो सकते हो, सो जस्ट लीव अर्ली. और अगर लेट पहुँच भी गए, अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई, एग्जामिनर्स दो सुपरवाइजर्स दे समटाइम्स कॉज अननेसेसरी डिलेज, पैनिक नहीं करना है, जस्ट स्टे काम. पेपर जब स्टार्ट होगा तो ऐसा लगेगा कि सारा पेपर ही गैस वर्क था. दैट्स हाउ वी ऑल फील. आई हैव टॉक्ड टू अ लॉट ऑफ टॉपर्स, वो भी यही कहते हैं. Judge the paper in the exam center, but attempt at least 80 to 90 MCQs. अगर तुक्के भी लगा रहे हो, लक को थोड़ा सा स्कोप दो, थोड़ा ज़्यादा मार्क करके आओ, सो दैट अगर लक को चलना होगा तो स्कोप मिलेगा. Negative marking. If you are confident that the paper is as per your expectations and you could attempt most of the questions confidently, do not attempt tough questions. But अगर ऐसा लग रहा है कि इस बार तो मैं गया, मुझे कुछ नहीं आ रहा, सब तुक्केबाजी चल रही है, जो मोस्टली सबको लगता है, देन इन दी एंड मार्क ऑल द रिमेनिंग MCQs. अगर आप वैसे भी फेल हो रहे हो, अगर आपका इस बार चांस ही नहीं है, तो ब्लैंक छोड़ के मत आओ. मार्क इधर बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, सारे ऑप्शंस मार्क करके आओ. डू नॉट कर्स मी इफ़ यू डू नॉट सक्सीड. तुम वैसे भी नहीं लगने वाले थे, एटलीस्ट वी आर गिविंग योर लक सम स्कोप टू वर्क, राइट. I would recommend you to attempt more questions. Even if you can eliminate one option, you should attempt that question. But if you are too confident ki is baar to achha ja hi raha hai, to zyada risk mat lijiye. Negative marking can affect your score. Now while solving MCQs, there's a lot of stress and anxiety in the exam center. So what I would suggest is, first take a glance at the options. Okay, in the first couple of seconds, it will sensitize your brain to the topic and your brain will be ready ki kya expect karna hai is question se. Just have a glance, a couple of seconds. Now read the question carefully. Highlight the important phrases in the question. Okay, always be alert about the tricky part. Every question has some tricky part. So, for example, which of the following is not a tiger reserve in Uttar Pradesh? So this not, you may just ignore it or skip it in the stress of the examination. So just be alert about this tricky part. Strike out all the obviously wrong options. Rule out the extreme options. For example, those having words like all or only. Some options have these words. Purposely dale hue hote hain us option mein. For example, the hornbills, the birds, are found only in the northeast part of India. So this only should make you alert. If you are confused between the options, try finding cues or hints in the question itself. If you plan to attempt it later, identify the most probable answer and put a small dot on that option. Ya to ye OMR sheet pe chota sa dot lagaiye ya fir question paper pe. So that jab aap wapas aoge, you may not have that much amount of time to think and analyze on those questions. So if you have your most probable answer ticked over there, you can just mark those options and your chances of getting those correct improve. Every 10 MCQs take a deep breath, okay? Just realize the importance of whatever is going on, focus and take the next set of 10 MCQs. Again, attempt at least 80 to 90 MCQs. Each MCQ has the same marks, right? So solve the easier ones first. There will be a few silly mistakes. चाहे जितनी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आओगे ही, लिख के ले लो. But don't worry, even toppers do that. So, कुछ silly mistakes होना is all right.
डू नॉट पैनिक इफ द इनिशियल फ्यू MCQs दैट यू हैव फेस्ड आर डिफिकल्ट. हो सकता है कि आपके पेपर में सारे डिफिकल्ट पार्ट पहले आए हुए हों, बट डू नॉट पैनिक, आगे का सॉल्व कीजिए या फिर टर्न द पेज और टर्न द बुकलेट और पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए. अल्टीमेटली यू हैव टू सॉल्व ऑल दी MCQs. अब कहाँ से स्टार्ट करते हो, कौन सा पहले कौन सा बाद में, डजंट मैटर. देर इज़ अनदर स्ट्रैटेजी दैट सम एस्पिरेंट्स यूज. दे सॉल्व 10-20 MCQs बिफोर गोइंग टू द एग्जाम सेंटर सो दैट देयर ब्रेन गेट्स ट्रेन एंड गेट्स इन टू दैट एग्जाम मोड. यू मे ट्राई दैट. Now between the two papers, do not discuss or find answers to paper 1. Paper 1 and paper 2 mein gap milta hai, usme discuss nahi karna hai. Resist that temptation, relax, eat something light and focus on the CSAT paper. CSAT can be unusually tough, even the passages can be tough, the language. Solve the easier part first and score as much as you can. Time management is crucial, uski taraf dhyan rakhna hai. After the exam, do not jump to conclusions. Classes will come out with answer keys by the evening itself. जब मेरा पेपर हुआ था मुझे ऐसे लगा था कि इस बार नहीं होगा, but when I went back, I tallied my answers, ऐसे लगने लगा कि yes, ये सबको difficult गया है and इस बार cut off low जाने वाला है and I could manage to clear the prelims. So do not jump to conclusions. Many a times they are not, the answer keys are not reliable. Tally your answers from multiple sources and then you'll get a rough idea about your score. In any case, score achha aa raha ho, kharab aa raha ho, relax for a few days, 2-3 days, plan again and get back to work. There are some Unacademy videos by Dr. Roman Saini regarding do's and don'ts. You may watch them. Now certain FAQs. How many revisions are needed? जैसे मैंने बताया, जैसे मैं पढ़ता था, एक रीडिंग में पढ़ते वक्त जो जो इम्पोर्टेंट लगता है उसमें ऐड करते जाओ. हर पेज को सिंसियरली पढ़ो. डू नॉट टर्न द पेज अनलेस यू हैव ईदर फॉर्म्ड कॉन्सेप्ट्स और यू हैव मेमोराइज्ड इट. मेमोराइज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, नॉट द एंटायर पेज. ओके, रट्टू नहीं बनना है. फॉर्म कॉन्सेप्ट्स या जहाँ कॉन्सेप्ट्स नहीं अप्लाई हो रहे उसको याद रखना है. वन थरो रीडिंग एंड वन और टू रिविजन बिफोर द एग्जाम्स आर इनफ. चार चार पाँच पाँच बार नहीं पढ़ना है. अगर आप वैसे पढ़ रहे हो तो आपकी टेक्निक गलत है. रिमेंबर PIB, PRS, अदर बुक्स, क्लासेस, दे आर इम्पॉर्टेंट बट दे आर नॉट कंपल्सरी. अगर टाइम है तो आप देख सकते हो, सिलेक्टिवली देखना है, बट दे आर अगेन नॉट कंपल्सरी. मैंने नहीं किया था और बहुत से टॉपर्स ने नहीं किया था. India Yearbook, I've already mentioned it, not compulsory. Websites and apps, I've mentioned the important ones. Follow any one good website sincerely, like Insights on India, IS Baba, Unacademy, koi bhi ek. You may refer to other websites selectively, but there is a risk of getting addicted to unnecessary things on the internet. You know what I mean, right? To ye nahi hone dena hai. Time pass hota hai, temptation hota hai. हफ्ते में एक आध दिन निकाल लो, जितना टाइम पास करना है कर लो, बट बाकी के दिन जस्ट बी सिंसियर टुवर्ड्स योर गोल, राइट. डिस्कशंस एंड डिबेट्स विथ योर फ्रेंड्स या सीनियर्स, इफ इट्स फ्रूटफुल, इफ इट इंकरेजेस यू, इफ इट एनरिचेस यू, देन इट्स ओके. अदरवाइज स्टडी अलोन लाइक आई डिड. हफ्ते में एक बार मैं सारे फ्रेंड्स से या फिर राजेंद्र नगर की उन डरावनी गलियों में घूम के आता था. आई यूज टू एब्जॉर्ब ऑल द टेंशन और फिर अकेले बैठ के पढ़ता था. यू कैन डू दैट. Because in these discussions and debates, there is a risk of wasting too much time. Now, relationships. ये उम्र ही ऐसी है, अब क्या करूँ. Maintain status quo. No breakups, no new relationships. जो चल रहा है चलने दो. Just develop an understanding. Plan and balance your study and life. ये दिन वापस नहीं आएंगे. बस रूम में बैठ के कितने साल बर्बाद हो जाते हैं वो नहीं करना है. करियर एंड मस्ती दोनों ज़रूरी है. जस्ट प्लान इट अकॉर्डिंगली. थोड़ा टाइम अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए और जिन लोगों से आप प्यार करते हो उनके लिए निकालना भी ज़रूरी है. लिव योर लाइफ. ओके, अगर नहीं होना होगा तो वैसे भी नहीं होगा. जस्ट प्लान इट वाइजली एंड फॉलो इट. द लास्ट पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन.